भैया से थोड़ी सी बात कर लेंगे। नहीं सब्जेक्ट वाला नहीं, सब्जेक्ट चेंज, सुनो ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, सब्जेक्ट चेंज बिल्कुल। हम लोग यहाँ आए थे कि ग्रामीण क्षेत्र में जनता को कितनी क्या जानकारी है, और आने वाला अब आपके यहाँ विधानसभा का चुनाव है, तो क्या सरकार वही बनेगी या परिवर्तन है? नहीं, परिवर्तन का लहर है अभी पूरे मध्य प्रदेश में। ये बीजेपी के महोदय जी हैं। आपका कहना है कि परिवर्तन की लहर है, तो यहाँ होना भी चाहिए। कांग्रेस विधायक है यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। तो उनके काम पसंद नहीं आ रहे क्या लोगों को? नहीं, काम पसंद आ रहा है ना। अच्छा काम है, अच्छा। बीजेपी वाले सांसद है, हाँ जी, हाँ जी। उनका भी काम अच्छा है? नहीं, वो तो अभी हम तो पढ़े लिखे थोड़े बहुत, और शायद हम लोग थोड़ा सा राजनीति से मतलब जुड़े हुए लोग हैं। हमने अभी तक नहीं पहचाना कौन सांसद है। मेरे गांव में इतनी बड़ी बस्ती है बिनोरा ग्राम, यहाँ कोई नाम भी नहीं बता सक रहे थे। इस गांव बहुत बड़ी बस्ती बिनोरा ग्राम है जी। शायद यहाँ मेरे ख्याल से 10 लोग नहीं पहचानते होंगे, 10 लोग बिल्कुल सांसद महोदय को कभी दर्शन नहीं हुआ। कौन सांसद है, क्या है और क्या काम है उनका, समझ ही नहीं आ रहा है। आपके क्षेत्र में डबल इंजन की सरकार है सर। हाँ, जब ट्रेन सिंगल इंजन नहीं खींच सकती, लोड हो जाता है तो डबल इंजन लगाया जाता है। हाँ, तो पूरा ट्रेन खींच लेता है। हाँ, जब यहाँ कांग्रेस की विधायक मुख्यमंत्री बीजेपी का, हाँ, प्रधानमंत्री बीजेपी का, तो फिर विकास नहीं हो रहा है, इसलिए क्यों रो रही इधर की जनता? अब ऐसा है कि यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी का है, केंद्र में बीजेपी के प्रधानमंत्री है, इस वजह से इसको काम नहीं रोक रहा है, रोका जा रहा है। अच्छा, सर क्या बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो विकास इतनी ज्यादा हो रही है कि शायद अभी तक नहीं हुई होगी, है ना। मैं एक पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये हमारा ये सोन नदी बढ़ता है, इसमें मात्र दो पुल थे, एक केमनी में और एक बिनोरा में। आज इस सोन नदी का जहाँ से उद्गम हुआ है और जहाँ मिलन हुआ है, वहाँ से लेके अभी तक 15 साल के कार्यकाल में कम से कम 12 से 13 पुल का निर्माण हो चुका है। तो ये विकास का श्रेय है, ये विकास का श्रेय, क्योंकि पब्लिक का मेन मकसद होता है कि आने जाने का जो रास्ता है परिपक्व होना चाहिए। तो इसके पहले जब कांग्रेस थी तो तब ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं था। ये परिवर्तन ही जब 2003 में जब उमा भारती सरकार बनी तो एक प्रकार से वो बंटाडार मुख्यमंत्री को आउट करने का एक श्रेय था। अच्छा। उमा भारती का, और जब से लहर चली है तो विकास के तरफ। तो आपको जो बीजेपी है, मोदी जी है, हाँ, तो इनके काम कौन से काम आपको अच्छे पसंद है? मोदी जी का तो काम इतना पॉपुलर है कि विश्व में नंबर एक पे माना जाता है, विश्व गुरु बोला जा रहा है, विश्व गुरु माना जा रहा है। और मोदी जी को यहाँ भारत में ही नहीं, अन्य विश्व में भी उनको नंबर एक का पीएम माना जा रहा है। और अभी कांग्रेस का एक आरोप है उनके ऊपर, अभी क्या चुनाव आ गए तो उनका कहना है कि बीजेपी वाले मोदी जी को विश्व गुरु साबित कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। दूसरा आरोप इनका है कि, हाँ, मोदी जी महंगाई मैन बन गए हैं। नहीं नहीं, कांग्रेस वालों का कहना है महंगाई नहीं है। देखो क्या है, पहले भी महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ती थी, अभी भी बढ़ रही है, कम भी हो रही है ना, बीच में ये तो टमाटर का रेट बढ़ रहा है तो किसानों का रेट बढ़ रहा है, यानी किसान को फायदा हो रहा है। और जो व्यापारी को वर्ग लोग क्या चाहते हैं कि किसान का फायदा ना हो, और किसान चाहते हैं कि मेरा फायदा हो, तो ये किसान खुश है। हाँ, किसान खुश है, जो जनता जनता जो उत्पादन कर रहा है वो खुश है। आज हमारे ही आज हमारा जो क्षेत्र है धान की खेती हो रही है, हमारे धान का रेट बढ़ेगा तो हम किसान खुश रहेंगे ना। मोदी जी विदेश जाते ही रहते हैं, यस, हमेशा। हाँ, अभी मणिपुर जल रहा है, मोदी जी अमेरिका में थे। अभी दिल्ली पंजाब डूब रहा है, मोदी जी फ्रांस में थे। तो विदेश मंत्री क्या कर रहा है और विदेश मंत्री कौन है? ये जो क्षेत्र होता है देखा जाए एक्चुअल में, ये राज्य पे डिपेंड करता है, राज्य पे डिपेंड करता है, यानी प्रधानमंत्री का है अपने देश को। अच्छा, प्रचार करने राज्य में जा सकते हैं मोदी? बिल्कुल जा सकते हैं। बाढ़ आई तो नहीं जा सकते? नहीं जा सकते ना, जाते हैं, जाते हैं, केवल प्रचार। देखिए, अभी जो उड़ीसा में एक हादसा हुआ, रेल हादसा, पहुंचे ना, है ना, तुरंत पहुंचे, पहुंचे कारण है उसका। हाँ, ये विपक्ष ने आरोप लगाया कि मोदी जी हरी झंडी दिखाते रेल मंत्री घर में सोया रहता है। अब उनको लगा कि यहाँ पर मैं नहीं जाऊंगा तो हरी झंडी का भलाऊंगा? नहीं, तो वो तो है ना, विकास की गति देना है। जगह पकड़ रहा है, नहीं पकड़ रहा है ना वो, तो देखो कहीं भी पकड़। विदेश मंत्री का नाम बता दीजिए। विदेश मंत्री का आना जाना कौन करेगा? देखो याद नहीं आ रहा है मुझे,
पढ़ाई नहीं विदेश मंत्री नहीं है, 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 नहीं है, है, है। प्रधानमंत्री जब तक विदेश नहीं जाएगा तो विदेश में ये कह रहा हूँ, जब तक अपन एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो सीखेगा कैसे? अच्छा हाँ, जब तक सीखेगा नहीं तो प्रोग्रेस नहीं, सीखने जा रहे, सीखने भी जा रहे हैं उसका प्रचार, यानी देखो बाहर जाके 9 साल में सीखे नहीं, सीख चुके हैं अभी तो विदेश के साथ में समझौता भी कर रहे हैं ना। 9 साल बेमिसाल बोल रहे हैं सर, नहीं, नहीं, तो मेरे को बेमिसाल बताइए थोड़ा सा। नहीं, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल मैं जितना जितना मुझे समझता है मैं उतना ही बोलूंगा, नहीं यहाँ पे विपक्ष ने कोई हाथ, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में हम आज इधर पहली बार आए इस क्षेत्र में, जो बालाघाट से डायरेक्ट लांजी रोड है और हर गांव की कुछ ना कुछ समस्या होती है। हम आगे देखेंगे कि यहाँ का परिवर्तन होगा या फिर से वही सरकार बैठेगी। ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक पुथेकर, कैमरामैन यशवंत निलारे के साथ, नमस्कार दोस्तों।